स्वामी जी जैसे लोकोत्तर पुरुष बिरला होते हैं। अब 150 साल उनको जन्मे हो गए, लेकिन स्वामी जी का एक एक शब्द पुस्तक में पढ़े तो भी आज भी प्रेरणा मिलती है, हम अनुभव कर सकते हैं। ये प्रत्येक का अनुभव है। ये शब्दों में सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष बहुत थोड़े होते हैं, उनके शब्दों का परिणाम होता है। उनके शब्द मात्र भी मनुष्य को सक्रिय कर सकते, लेकिन क्यों? यही कि उनके शब्द केवल अक्षरों से बने शब्द नहीं होते, उनके अपने जीवन की तपस्या से वो शब्द बने होते। स्वामी विवेकानंद का पहले जीवन है, समर्पण है, त्याग है, तड़पण है, अखंड देश के देश बांधवों के हित के लिए किया हुआ परिश्रम है, और इसलिए उसके बाद उनके अंतकरण से निसृत होने वाले शब्द आज भी हमको प्रेरणा दे सकते हैं। परंतु उन शब्दों को अगर साकार हमको करना है तो हमको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। स्वामी जी ने बहुत सारे काम किए नहीं, एक व्यक्ति को संभव भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा देश है, इस देश में एक आदमी कितना काम करेगा। और स्वामी जी को आयु नहीं मिली थी, 39 साल की आयु केवल, उसमें एक व्यक्ति ने जो किया प्रत्यक्ष वो भी बड़ा है, लेकिन स्वामी जी ने जो शब्द उच्चारण किया उसमें से भारत की नवोत्थान की प्रक्रिया में सब अच्छी धाराओं को बल मिला और अनेक धाराएं वहां से उनका उद्गम हुआ। आज का भारत, आज के भारतीय लोगों की आकांक्षा, उनका पराक्रम, उनके जीवन में आई हुई भव्यता दिव्यता, इसके मूल में क्या है, ऐसा अगर हम खोजते हैं तो हमको उस समय जाना पड़ता है 1857 के बाद हिंदू नवोत्थान का, हिंदुस्तान के भारत के नवोत्थान का एक युग प्रारंभ होता। सारी दुनिया के इतिहास में मिलकर जितने नहीं हुए उतने महापुरुष अध्यात्म से लेकर तो अर्थ कारण तक सब क्षेत्रों में अपना कर्तृत्व गुंजाने वाले अपने भारत के इतिहास में उस समय में हुए हैं। सारी दुनिया में मिलकर जितने नहीं हुए उतने 1857 के बाद 1940-47 तक। और ये कहां से आए, इनको प्रेरणा कहां से मिली, तो वही बात है जो 3-4 व्यक्ति उस समय देश को जगाने वाले थे, सबके सब आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और उनके दिए हुए पाथेय ने भारत में नवीन प्राणों का संचार किया। भारत जाग रहा है उस प्राण शक्ति को लेकर, इसको सारी दुनिया में उद्घोषित किया